अभी हल्दी उतारने की रस्म करेंगे। इस रस्म में ना वो जो धागा बांधा जाता है ना शादी में आप लोगों को, ये हल्दी में डुबाया हुआ, इसको खोलते हैं, उसके बाद तुम दोनों आजाद एकदम कहीं भी घूम सकते हो एकदम फ्री। थांबा, सोनाली, इस रस्म को पूरा करने के लिए 5 सुहागनों की जरूरत पड़ती है, बता देना अपनी जठानी को। अग्नि बरोबर है वहीं, पर वही नहीं, 5 सुहागन लगेंगे, उसको कैसे पूरी करेंगे? यहाँ तो हम सिर्फ 4 हैं, मी, वही नहीं, करिश्मा और पत्रलेखा। आई, पत्रलेखा भाभी को भी सुहागन में गिन रही हैं आप? वो मेरा मतलब है कि इनके पति अभी सम्राट दादा का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है ना। करिश्मा चुप, बस जवान संभाल अपनी। सुनाली, अगर तेरी बहू को बात करने नहीं आती तो उसे बोल अपना मुंह बंद रखे। हो वे नहीं। करिश्मा तोंड बंद कर, जो भी मन दिल हार्ट में आते बक देती है, समझ में नहीं आता, मूर्ख कुटली। वही नहीं, सॉरी, मैं उसकी तरफ से ना आपसे माफी मांगती हूँ, पाइचे तो पाया। करिश्मा, बोलने से पहले कभी कभी सोच भी लिया करो, कुछ नहीं हुआ हमारे सम्राट को। हाँ बिल्कुल अंशिता जी, आप भरोसा रखिए, हमारा सम्राट एकदम ठीक ठाक है, फिट एंड फाइन। मानसी, हौसला रखो मानसी, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द आएगा अपना सम्राट। आई है सावित्री काकी। अरे वही नहीं, सावित्री काकी आई है। या या या, पहचान एकदम की। लीजिए वही नहीं, आ गई आपकी 5वीं सुहागन। देखा, वक्त पे पड़ोसी ही काम आते हैं। थैंक यू शिवानी। मानसी ताई, हौसला रखिए, हमारे सम्राट बिल्कुल ठीक ठाक है। हो मानसी ताई, और इसलिए सम्राट की सुहागन होने के नाते पत्रलेखा भी हमारे साथ इस रस्म को पूरा करेगी। और कहते हैं ना, जो सुहागन इस रस्म को पूरा करती है, स्वयं महादेव जी उसकी सुहाग की रक्षा करते हैं, उसकी मंगलसूत्र की ताकत को बढ़ाते हैं। और अपनी पत्रलेखा भी तो चाहती है ना उसका सुहाग सही सलामत रहे, है ना पत्रलेखा? अरे पत्रलेखा, सोच क्या रही हो, आओ ना रस्म कराओ। पत्रलेखा आओ। वृंदावन मंदिर सही, अब उठ के पैर छो सबके और सबका आशीर्वाद ले। जी। ओ गो, सगळ्यांचा आशीर्वाद लो। हाँ, लेकिन सबसे पहले विराट का आशीर्वाद लो।
वही तो है ना तुम्हारा पति, परमेश्वर, हस्बैंड। इसी की वजह से तो तुम यहाँ पर हो। नहीं का? ये आशीर्वाद ये। It's okay. रहने दो। अपने पति के पांव छूने में भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम क्यों होगी? सही बेटा, किसी के पांव छूने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता ना। पांव छूना तो ये इज्जत देने का तरीका होता है, और मुझे लगता है कि हर रिश्ते में इज्जत देना जरूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि सही के दिल में विराट के लिए कोई इज्जत नहीं हो। क्यों सही? मैं खुद से ये वादा करता हूँ सही, कि मैं तुम्हारा और कमल सर का सपना जरूर पूरा करूँगा, और तुम्हें वो इज्जत, वो मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अरे सावित्री वहिनी, सही चले सावित्री वहिनी को ना गिफ्ट देना और पैर छूना। हाँ बहुत अच्छा लगा आप आई, शुक्रिया, आते रहिएगा। सुखी रहा। अब रहेगी आखिरी रस्म, जिसमें नई नवेली दुल्हन पूरे परिवार को भोग की श्रीखंड पूरी परोसेगी। खड़ो, एक काम करना प्लीज, तू जाके बाबा को, काका को, मानसी तैयार, स्पेशली काकू को जाके बुला के लेके आओ प्लीज। वरना भोग का खाना है, आखिरी रस्म है, प्लीज आके पूरी करो। काकू, मानसी बुआ, बाबा, ओमी काका, आई ने कहा है कि मस्त मस्त आई की हर बात मानता है ना तू? आपकी भी तो हर बात मानता हूँ काकू। मानता था लेकिन अब नहीं। एक आखिरी रस्म रहती है काकू, भोग का प्रसाद है, सही को आप सबको परोसना है। नहीं खाना है हमें। हाँ मना कर दे जाके। लेकिन काका ये रस्म, जब हमने तेरी शादी को ही नहीं माना तो फिर रस्में कैसे मान ले? वहिनी, वहिनी प्लीज प्लीज चलिए ना। मरते मर जाऊंगी लेकिन इस अक्खड़ जिद्दी लड़की के हाथ से बने खाने का एक निवाला तक नहीं चखूंगी। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं खाना है। मानसीता ही तुम्ही चलो विराट, सही चलो। घर के बड़े अगर बच्चों जैसी जिद पर अड़े हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आखिरी रस्म इनके बिना ही सही पूरी कर लें। चलो एक मिनट विराट सर। रस्में परिवार की भलाई के लिए की जाती है, इसलिए पूरी की जाती है ताकि परिवार पे कोई मुसीबत ना आए, ताकि परिवार में खुशियां बनी रहे। आप लोग तो मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना तक नहीं खाना चाहते। मैं ये रस्में पूरी कर रही हूँ इस परिवार की भलाई के लिए, इसीलिए मैं 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगी। उतनी देर में या तो आप लोग मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना खाने के लिए बैठ जाइए या मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।
निशा मौसी, मेरा सामान बांध दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सही, बच्ची है वो, जाने अनजाने में कुछ भी बोल देती है। सही, ये तू क्या कर रही? बहू है तू इस घर की, बड़ों के सामने ऐसी शर्त रखते हैं क्या? पांच चार तीन दो एक। अम्मा, इस घर की इज्जत बाहर ना उछले, इसलिए तेरी बदतमीजी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सब्र को मंजूरी मान लो। चलो चलो। अब देख क्या रही हो? बाहर जेवन। आप यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्ही ने मुझसे कहा था विराट सर, एक मिनट रुकिए। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। अब जाइए बैठिए। कि विराट तो सही की अभी से ऑर्डर हुकुम आज्ञा सुन रहा है। लड़की बहुत तेज है, इसे हमें समझाना पड़ेगा वरना ये हम पे राज करेगी। सही बेटा, भूख का खाना सबको परोसो। बस शरीर देख के बता सकती हूँ किसको कितना खाना चाहिए, ज्यादा नहीं परोसूंगी। और इतने में आपका कुछ नहीं होगा, और लीजिए। बप्पा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कोई वही नहीं को चुप करा सकता है। देखना, एक दिन सही पूरे परिवार को संभाल लेगी। बस ऐसे कैसे? बस अच्छे से खाइए, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ साथ आपने भी काफी कुछ सहा है और मुझे लगता नहीं ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। आप अच्छे से खाइए, आपको सबका काफी ध्यान रखना है और घर के साथ साथ काम पे भी जाना है। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। सही का जादू धीरे धीरे चलने लगा है विराट पर। चलो ये रस्म तो पूरी हो गई। पापा तुमसे खूब खूब आभार, शाम का रिसेप्शन भी ठीक से हो जाए।
बस अब एक आखिरी रस्म, मतलब फंक्शन रखा है शाम को। कुछ नहीं, बस थोड़े रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले और दोस्त आएंगे देखने के लिए सई को, और सब मतलब वही नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।